अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग इस तरीके से उर्दू लैरिक वाली वीडियो कैसे बना सकते हैं। जैसे टिकटॉक पे एक आईडी है आई एम सैफी, जो कि इस तरह की वीडियोस बनाते हैं और काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने वीडियोस कहाँ से लेनी है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने साउंड कहाँ से लेना है, इसके बाद आप लोगों ने लैरिक कैसे लिखना है, ठीक है। मुकम्मल तरीका इस वीडियो में, आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों का काम होगा पिक्सल लैब, और इन शॉर्ट में आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने पिक्सल लैब को ओपन करना है, ठीक है। वीडियो आप लोगों को एंड में बताऊंगा कि आप लोगों ने कहां से लेनी है। पिक्सल लैब को इस तरीके से आप लोगों ने ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस होगा, आप लोगों ने यहां पे ए पे क्लिक कर देना है, एडिट पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है, यहां पे आप लोगों ने अपना लायरिक लिखना है, ठीक है। इसके साथ दो इमोजी भी आप लोगों ने लिखना है, ओके पे आप लोगों ने क्लिक कर देना, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अभी भी फाउंड में आप लोगों ने क्लिक करना है, यहां पर आप लोग अपने फाउंड यूज कर सकते हैं जो आप लोगों के उर्दू में होंगे। मेरे पास रिसेंट में पड़ा है क्रैप स्टार वाला, उर्दू वाला, तो इसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद इमोजीज को अलग आप लोगों ने सिलेक्ट करना है और एप्पल इमोजी वाला फाउंड आप लोगों ने लगा देना है। तो कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आ चुका है। इस तरीके से आने के बाद आप लोग इसको छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से रखना है। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे आगे क्लिक करना है। इसका कलर आप लोगों ने वही वाइट ही रहने देना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने स्ट्रोक पे आप लोगों ने चले आना है, इसको इनेबल कर देना, और यहाँ पे आप लोगों ने ब्लैक स्ट्रोक दो पे लगा के ओके पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हो चुका है। अब आप लोगों ने यहाँ पे फोर नंबर वाले ऑप्शन पर चले जाना है, ट्रांसपेरेंट में चले जाना है, और इस कुछ इस तरीके से आ चुकी है। अब सेव पर आप लोगों ने क्लिक करना है, सेव एज इमेज में आना है, और यहाँ पर वेरी हाई पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के इमोजी के साथ ये टेक्स्ट जो है वो सेव हो चुका है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब दोबारा आप लोगों ने दूसरा यहाँ पे लिखना है, तो आप लोगों ने इसको इरेज करना है। दूसरा आप लोगों ने लेयर यहाँ पे लिखना है, जैसे लिख रहा हूँ यहाँ पे नाम है आसमान चाहूँ, तो कुछ इस तरीके से आप लोगों ने लिखना है। लिखने के बाद आप लोगों ने ओके पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद, ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे ए बी फाउंड में चले आना है, और रिसेंट में आना है, वही फाउंड आप लोगों ने यूज़ कर देना है। इसके बाद इमोजीज पर आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है, और वही आप लोगों ने एबल इमोजी वाला फाउंड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फाउंड आप लोग चेंज भी कर सकते हैं अपने लेयरक के हिसाब से। आप लोगों ने दो फाउंड लगाना है, जैसे आप लोगों का लेयरक कह रहा होगा, मतलब आप लोगों ने उसी के मीनिंग के हिसाब से आप लोगों ने कर देना है। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे सेव एज ए इमेज आप लोगों ने वेरी हाई पे क्लिक करके सेव टू गैलरी, सब लेयर को आप लोगों ने बारी बारी इसी तरीके से आप लोगों ने कर लेना है, ठीक है गाइस। इसके बाद आप लोगों ने आता है कि आप लोगों ने वीडियो कैसे बनानी है। तो इन शॉर्ट को आप लोगों ने ओपन करना है, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी वीडियो को सिलेक्ट करना है, ठीक है। वीडियो की लेंथ आप लोगों ने अपने वीडियो के हिसाब से, मतलब लेयर के हिसाब से करना है, ठीक है। इसके बाद साउंड म्यूट कर देना है आप लोगों ने। साउंड अगर आप लोग गैलरी में यूज़ करना चाहें तो यहाँ पर साउंड पर क्लिक करके इफेक्ट में आना है, माई साउंड में, और वीडियो पर आप लोगों ने आना है, और यहाँ से वीडियो का आप लोगों ने साउंड को अपने हिसाब से एक्सट्रैक्ट कर लेना है। कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर साउंड आ चुका है, ठीक है गाइस। तो इसके बाद हमने यहाँ पे लेरिक ऐड करना है, ठीक है, अपने हिसाब से लेरिक यहाँ पे हमने ऐड करनी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे पिप वाला ऑप्शन आप लोगों को सिंपली नज़र आ रहा है, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने अपने पिप वाले ऑप्शन पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है, ठीक है। पिप वाले ऑप्शन में आना है, यहाँ पर फोटोज़ में आना है, और जो आप लोगों ने पहला आप लोगों ने लेरिक लिखा था उसको इस तरीके से आप लोग ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हैं, और बड़ा भी आप लोगों ने अपने हिसाब से कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप लोगों ने रख देना है, ठीक है। जहाँ तक आप लोगों का पहला लेरिक एंड होगा वहाँ से हमने क्या कर देना है, इसको सिप्लेट कर देना है। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके, यहाँ पे एंड हो रहा है तो मैं यहाँ से कर देता हूँ सिप्लेट, और इसको कर देना है डिलीट। अब इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एनिमेशन में यहाँ पे ये एनिमेशन लगा देना है, इसके साथ आउट पे क्लिक कर देना है, तो आउट और इन दोनों लग जाएंगी, और कुछ इस तरीके से हमारा लेयर यहाँ पे शो होकर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे साथ ही दूसरा लेयर शो होता है, तो यहाँ पे हमने क्लिक कर देना है, ठीक है, पिप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, उसको सिलेक्ट करना है अपने हिसाब से, छोटा बड़ा अपने हिसाब से आप लोगों ने कर देना है। जहाँ से एंड होगा वहाँ से सिप्लेट कर देना है, और वही पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे एनिमेशन इस तरीके से ये एनिमेशन लगा देना है, आउट पे क्लिक कर देना है, तो दोनों यहाँ पे सेम ऐड हो जाएंगे। इसके बाद तीसरे लेयर को भी आप लोगों ने इसी तरीके से सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने अपने हिसाब से छोटा या बड़ा इसको कर देना है। जहाँ से आप लोगों का तीसरा लेयर एंड होगा वहाँ से ही आप लोगों ने इसको यहाँ पे सिप्लेट कर देना है, और इसको आप लोगों ने एक्स्ट्रा पार्ट को आप लोगों ने डिलीट कर देना है, और वही पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये एनिमेशन लगा देनी है, आउट में भी यही लगा देनी है। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों का फाइनली यहाँ पे तीसरा लेयर भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब नंबर पे फोर में आप लोगों ने अगर और लेरिक आप लोगों के हैं तो वही तरीका है, आप लोगों ने इसी तरह से ऐड करना है, और बड़ा छोटा आपने अपने हिसाब से करना है। आप लोगों ने यहाँ पे जहाँ पे एंड होता है लेरिक वहाँ पे सेपरेट कर देना है। सेपरेट करने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट को आप लोगों ने यहाँ पे उसी हिसाब से आप लोगों ने अपने इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद वहाँ पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, एनिमेशन ये वाले लगा देने, आउट भी यही वाले लगा देने। तो कुछ फाइनली इस तरीके से आप लोगों की वीडियो जो है वो एडिट हो चुकी है।
तो गाइज वो इस तरीके से कर रहा है, आप लोगों ने अपने कुछ ज़्यादा ही करना है, मतलब वायरल होने के लिए कुछ ज़्यादा करना था, कुछ मुख्तलिफ करना पड़ता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे कुछ इमोजी अलहदा लगा देना है। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे पिक्सल लैब को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, पिक्सल लैब में जाके इसको यहाँ पर एडिट करता हूँ और इसको यहाँ पर कर लेता हूँ सबको ख़त्म। ख़त्म करने के बाद यहाँ पर इमोजीज़ आप लोग कोई भी लगा सकते हैं, एक दो तीन, तीन आप लोगों ने इमोजी मैक्सिमम लगा देना है। यहाँ पर तीन इमोजी लगा देता हूँ, लगाने के बाद कोई सी लगा देना है, ये वाला लगा देना है। लगाने के बाद ए बी फॉन्ट पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है, क्लिक करने के माई फॉन्ट में जाने के बाद एप्पल इमोजी वाला फॉन्ट वही लगा देना है। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, आप लोगों ने उसी हिसाब से सेव एज इमेज वहाँ पे वेरी हाई पे क्लिक करके सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे बैक आते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने लगाना है वही पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसी को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सामने जो है वो बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को, आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट करना है, इसको थोड़ा रोटेट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कोई भी इमोजी आप लोग लगा सकते हैं। लगाने के बाद आप लोगों ने इसको जो है ड्रैग करके वीडियो के एंड तक यहाँ पे ले जाना है। एनिमेशन आप लोग लगाना चाहें तो एनिमेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है गाइस। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों ने पिंसल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये एनिमेशन लगाने, आउट में आप लोगों ने एनिमेशन नहीं लगाने, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से यहाँ पे ऐड हो चुका है, कुछ डिफरेंट करना है, उससे ज़्यादा डिफरेंट करना हो तो टेक्स्ट आप लोग अपनी टिकटॉक आईडी का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने, जैसे मैं लिखता हूँ आई एम सैफी, तो इस तरीके से लिख के आप लोगों ने ए बी फॉन्ट चेंज कर देना है, कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। इसके बाद एनिमेशन भी आप लोग लगा सकते हैं अपने हिसाब से, आप लोगों ने कुछ जो है ऐड करना चाहें तो वो आप लोग ऐड कर सकते हैं सिंपली। यहाँ पे आप लोग लोगो चाहें तो लोगो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और इसको वीडियो के एंड तक आप लोगों ने कर देना है एनिमेशन लगा के। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो है वीडियो रेडी हो चुकी है गाइज। तो यहाँ पे देखिए वीडियो फाइनली हमारी रेडी हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि आप लोगों ने जो है वो कलर कैसे चेंज करना है। अब चाहें तो वीडियो का कलर चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट में जाना है, एडजस्टमेंट में जाना है, और ब्राइटनेस को आप लोगों ने कुछ कम कर देना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग सब चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे फेस नहीं है, फेस का मसला एक ट्रैवल वाली नेचर वाली वीडियो है, तो यहाँ पर कोई भी कलर आप लोग रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप लोगों का फेस नहीं है तो आप लोग को यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते, बल्कि हर चीज़ आप लोग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फेस नहीं है तो आप लोग किसी भी तरीके से वीडियो को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों ने सेव 1080p 1080p रख के आप लोगों ने सेव कर देना। तो गाइस इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे बात आती है कि आप लोगों ने वीडियोस कहाँ से लिखनी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, पिंटरेस्ट में चले आना है, ठीक है। पिंटरेस्ट में आने के बाद यहाँ पे पिंटरेस्ट में आना है, और यहाँ पे आप लोगों ने सर्च कर देना है नेचर वीडियो या सैड वीडियोज़, यहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इसका ट्यूटोरियल दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो आई बटन में अभी आप लोगों को नज़र आ रही है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ नेचर वाले वीडियोस पे, आप लोगों ने क्लिक कर देना, और यहाँ पे ये वाला आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों के पास आ जाएगी कुछ इस तरीके से। अब आप लोगों इसे डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ पे थ्री डॉट पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है, सिंपल थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर शेयर वाला ऑप्शन आप लोगों को नज़र आ रहा है, और यहाँ पर विडमेट पर क्लिक करके आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर देना है। अब दूसरा तरीका ये है कि आप लोगों ने टिकटॉक से भी, यहाँ पर एक आई डी है उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। टिकटॉक को ओपन करना है, सर्च बार में जाना है, दिस ट्राई बर्ड्स आप लोगों यहाँ पे टिकटॉक आईडी मेंशन करना है। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की वीडियो बनाते हैं, आई एम सैफी की तरह ही वीडियो यहाँ पे बनाते हैं, मतलब यूज़ उस यही वीडियो आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, किसी एक वीडियो पे क्लिक कर देना है जिसको डाउनलोड करना चाहें, क्लिक करके शेयर पे क्लिक करेंगे, लिंक कॉपी करेंगे, क्रोम पर चले जाना है, और क्रोम में जाके आप लोगों ने डाउनलोड टिकटॉक वीडियो विडो वाटर मार्क यूज़ करना है, उसको आप लोगों ने ओपन करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है, तो आप लोगों की वीडियो डाउनलोड हो जाएगी विदाउट वाटर मार्क। इसके साथ साथ आप लोग जो है वो साउंड आप लोग यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी है, जैसे नास माचाऊँ इस तरीके से आप लोगों ने लिखना है, स्लो लिवाब स्टेटस लिखना है, तो आप लोग साउंड भी डाउनलोड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो गाइज कुछ इस तरीके से आप लोगों ने वीडियो बना लें, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसे लगे, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेट ट्यूटोरियल के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।